अभिमन्यु दसानी, मतलब कि ओवर एक्टिंग की दुकान, कुछ कुछ सीन्स ऐसे उन्होंने किया है मतलब कि ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर सलमान खान और वरुण धवन की आत्मा घुस गया हो, ओवर एक्टिंग करने लगता है। बंदे ने ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेहनत नहीं किया है, बहुत अच्छे से मेहनत किया है, लेकिन साबिर खान को बोलूँगा यार आप इतना रीमेक कर लाते कहाँ से हो आप, हीरोपंती, पागी, माइक ना माइकल, अरे बाप रे पूरी बोरिंग मूवी बन गई, रियली बता रहा हूँ। जिन्होंने MCA देखा है ना उनको तो 0% भी नहीं अच्छी लगेगी। शिल्पा शेट्टी भी है मूवी में, बहुत दिनों के बाद उन्होंने कमबैक कर रही हैं। वैसे तो इनकी मूवी हंगामा टू OTT पे आई थी, लेकिन बड़े स्क्रीन के लिए उन्हें उनके बहुत दिनों के बाद कमबैक ही बोल सकते हैं। उनका काम ओके है, कोई खास नहीं है, और जो शेरली हीरोइन है उनका काम भी ठीक ठाक है। इसमें जो विलन है अभिमन्यु, उनका भी नाम शायद अभिमन्यु है, क्या काम क्या बंदे ने यार, इसमें तो मेन काम विलन का यार, क्या तगड़ा रोल किया। और स्टोरी लाइनअप किस तरह की लगी? वही है, मिडिल क्लास के लोग किस तरीके से, वो जो हीरो है हमारे वो निकम्मा होता है, उसके भाभी का कैरेक्टर में वो है हमारे शिल्पा शेट्टी, वो काम धाम नहीं रहता तो वो क्या बोलते घर में झाड़ू पोछा लगाना, वही सब जो MCA का स्टोरी है वो सेम स्टोरी है। लास्ट में क्लाइमैक्स चेंजिंग किया उन्होंने, MCA का क्लाइमैक्स कुछ और था और इसका क्लाइमैक्स 15 मिनट का चेंजिंग कर दिया, बस इतना ही है, नहीं तो A to Z कॉपी किया उन्होंने, हर एक सीन्स को सेम टू सेम कॉपी किया। और सॉन्ग्स कैसे लगे? एक टाइटल सॉन्ग भी वो भी रीमेक ही, अब रीमेक ही देख लो, और वही टाइटल सॉन्ग जो निकम्मा किया इस दिल ने, अरे यार फर्स्ट में डालते उसको, वो भी एंड में डाल, जब पब्लिक बाहर आ रही है तो आप डाल दो, वो भी छोटे सा स्क्रीन पर, तो ओके ओके है, आप अपने रिस्क पे आओ मूवी देखने, मैं नहीं बोलूंगा कि आप आके देखो। 5 out of 3 stars? 2.5 star दूंगा। थैंक यू। चाहोगे मूवी के बारे में, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी निकम्मा शिल्पा शेट्टी को बहुत टाइम बाद देख के अच्छा लगा, देन इट वाज अ गुड मूवी। या एज अ रेटिंग इफ आई कैन से देन 5 out of 3, 3.5, 3 समथिंग, इट्स गुड। और अभिमन्यु के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? नई हीरोइन है शर्ली, उसके बारे में क्या कुछ? शर्ली एज अ सिंगर ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, तो उसके बाद एक्टिंग में भी इट वॉज गुड टू वॉच इन अ थिएटर, इट वॉज गुड लाइक ऑन अ बिग स्क्रीन, अच्छा लगा देख के। और सॉन्ग कैसा लगा? निकम्मा सॉन्ग एक टाइटल सॉन्ग है, अच्छा है, अच्छा, आई लाइक दैट। या और क्या कुछ कहना चाहोगे? स्क्रिप्ट कैसी लगी? क्लाइमेक्स कैसा लगा एंड में? स्टार्ट में थोड़ा अच्छा था, लाइक मूवी बिल्डअप अच्छा किया, बाद में आगे जाके भी थोड़ा फाइटिंग सीक्वेंस एंड एवरीथिंग वाज गुड। या और 5 out of 3 stars? 3, 3.5 एज़ आई सेड। या अरे यार इतनी सेक्सी मूवी है ना, और शिरले पहली बार मूवी कर रही है, क्या लग रही है वो, वैसी इतनी क्यूट सी है, इतनी प्यारी सी है, ऊपर से गाने इतने सेक्सी गाती है, अब तो एक्टिंग इतनी जवाल कर रही है, एकदम मस्त। और उसके अलावा हमारी शिल्पा शेट्टी मैम, उफ, उनकी अदाएं तो हम सबको पता है, वो जैसे डांस करती है, जैसे एक्ट करती है, लाइक शी इज़ अ क्वीन। और अभिमन्यु के बारे में? हाय इतना क्यूट है, काश वो मुझे मिल जाए, मैं उसको अपना बंदा बना लूँ। और सॉन्ग के बारे में? सॉन्ग आई लव दिस सॉन्ग, निकम्मा किया इस दिल ने, सुपर सॉन्ग, वाज अमेजिंग, मैं अब भी घर जाके रील बनाने वाली हूँ उस पे। और स्टोरी लाइनअप कैसी? हाँ स्टोरी काफ़ी अच्छी है, सो मैं बताऊँगी नहीं बिकॉज वो फ्लॉप, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉइलर हो जाएगा, सो गाइज जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी, निकम्मा किया इस दिल ने। और लास्ट का क्लाइमेक्स सीन कैसा लगा? अच्छा था, ठीक था, एक्सपेक्टेड नहीं था बट अच्छा था। यस, सॉरी, 5 out of 5 stars, आई थिंक 4। थैंक यू। या ओके, क्या कुछ कहना चाहोगे मूवी के बारे में, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी वाज एंटरटेनिंग, मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग थी, और ऐसा लगा नहीं था कि मतलब दो एक्टर्स का डेब्यू है, सो इट फेल्ट लाइक बहुत ही नेचुरल था, बहुत ही मज़ा आया। शिल्पा शेट्टी इज़ एवरग्रीन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और शर्ली सेठिया का तो यार मैं क्रश हो गई है मेरी, बहुत अच्छी थी। अभिमन्यु ही लुक्स लाइक द नेक्स्ट राइजिंग स्टार, काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है उनका, एक्शन सीन हो, कॉमिक टाइमिंग हो, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। स्टोरी लाइनअप के बारे में, किस तरह की स्टोरी लाइनअप बिल्डअप की और क्या कुछ कहना चाहूँगी? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ट्रैक चल रहा था फर्स्ट हाफ इंटरमिशन तक, तो काफ़ी एंटरटेनिंग साइड ऑफ थिंग्स, और जो आदमी जो आगे जो ट्विस्ट आता है उसमें तो मतलब इट वॉज वेरी एंगेजिंग, तो ऐसा लगा कि मतलब आप फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड अच्छे से देख सकते हो पिक्चर को। सॉन्ग टाइटल सॉन्ग कैसा लगा? दिमाग में बैठ गया है, दैट हुक स्टेप एंड एवरीथिंग, इट्स लाइक वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रेंड बन गया है अभी, और अभी मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है। और लास्ट की 5 out of 5 stars? 5 में से 3.5 तो बनता है यार इस पिक्चर का, डेफिनेटली। मूवी के बारे में यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी मूवी है, एक्शन भी ठीक है, रोमांस भी है, और स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी मूवी है, यही कहना चाहूँगा, आएँ और देखें, और जैसे उनका फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा,
तीन अलग किरदार है, तीन अलग कलाकार, हाँ। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अलग अलग किरदार हैं, सबने अपना काम अच्छा करा है। और शिल्पा मैम बहुत अच्छा, शुरू में तो लगा ही नहीं था कि आईपीएस होंगी, लेकिन जो बाद में रोल निकल के आया आईपीएस वाला, बहुत अच्छा, बहुत। और गाने के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? गाना बहुत मज़ेदार, गाना ऑसम है एकदम। क्लाइमेक्स कैसा लगा? हर चीज़ ऑल फुल मूवी बेस्ट है। फाइव कह सकते हैं, 4.5, 4.8। थैंक यू, वेलकम। मूवी के बारे में, मूवी एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग अच्छी थी, शिल्पा मैम की अच्छी थी और इसके अभिमन्यू की काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। थोड़ा सा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डायरेक्शन वीक लगा जगह जगह, कि जो मतलब नई बात हजम हो रही थी, लगता है ना कि यार ये चीज़ ऐसे कैसे हो जाएगी। अब आरटीओ ऑफिसर है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, तो कुछ डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक थी। और ओवरऑल सॉन्ग भी थोड़ा एवरेज ही थे, सॉन्ग ऐसे नहीं थे कि माइंड में सेट हो जाएंगे कि हम गुनगुनाते चले जाएंगे, बट एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी बहुत अच्छी थी। तीन अलग किरदार है मूवी में, तीनों में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी आपको? शिल्पा, सलीम, अभिमन्यु? मुझे तो शिल्पा मैम की ज़्यादा अच्छी लगी, और जो अपोजिट थे नेगेटिव करेक्टर, वो बहुत दमदार था। मूवी का गाना टाइटल ट्रैक कैसा लगा? वो एवरेज था, वो मतलब ऐसा नहीं था कि माइंड में आपके सेट हो जाएगा, आप गुनगुनाते जाएंगे। लास्टली 5 आउट ऑफ कितने स्टार दोगे? 3। ओके, वेलकम। डार्क तो नहीं है ना? ओके, व्हाट डू वांट टू से अबाउट द मूवी? मूवी इज गुड, हाँ, हालांकि मुझे स्क्रीन पे लगा कि और अच्छा हो सकता था, बट इट इज डेफिनेटली वन टाइम वॉच, आई लाइक इट। एंड तीन अलग किरदार है, शर्लिन इज द, शिल्पा इज द, तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका लगा? मुझे अभिमन्यु दसानी बहुत टैलेंटेड लगे, मतलब वो इतने टाइम के बाद, मतलब मर्द को दर्द नहीं होता, मैं देखा था उनको, और बहुत ही टैलेंटेड हैं, और उनका रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका फिजिक बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है, और एक्शन सीन्स बहुत अच्छे करते हैं वो, डांस बहुत बहुत अच्छे डांसर हैं, और फिल्म का म्यूज़िक भी अच्छा है, एक निकम्मा जो टाइटल सॉन्ग है, और एक किलर, और भी मतलब काफ़ी सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। बट स्क्रीन प्ले मुझे लगता है और अच्छा हो सकता था, पहला हाफ इतना अच्छा था, रोमांस इतना अच्छा था, शोली के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो बहुत मज़ा, कॉमेडी भी थी बहुत, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते थोड़ा एक्शन सीन्स ज़्यादा आ गए और थोड़ा ड्रैग हो गया। तो जिसके एडिटर है मनन सागर, उनको मैं बोलूँगा कि 15-20 मिनट से क्रॉप कर सकते थे। बट सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है मणि वेदंतम की, और ये रीमेक है मिडिल क्लास अब्बाई, एक मूवी है तेलुगु मूवी, तो उसका जो है मतलब फ्रेम टू फ्रेम उसकी कॉपी है, और उसमें नानी एक्टर जिन्होंने जर्सी मूवी में भी काम किया था। तो अभिमन्यु दसानी हैज़ डन जस्टिस टू हिज रोल, और मुझे शिल्पा शेट्टी बहुत अच्छी लगी, आफ्टर लॉन्ग हियर शी अपीयर्ड ऑन द बिग स्क्रीन, तो इतनी ग्रेसफुल, इतनी एलिगेंट, इतनी स्टनिंग और इतनी गॉर्जियस लगी, और मुझे लगता है वो इतनी एक्सप्रेसिव है और उनका रोल अच्छा हो सकता था, बट नेवरदलेस मतलब जो भी, जब भी वो आई बहुत ही ग्रेसफुल लगी, एंड इट वाज अ प्लेजर टू वॉच हर आफ्टर सच सोच ए लॉन्ग टाइम। सॉन्ग जो निकम्मा टाइटल है, काफ़ी दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच, बहुत अच्छा, कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छे सॉन्ग की, और जैसे मैंने कहा सिनेमेटोग्राफी इज गुड, डायरेक्शन इज गुड बाय सबीर खान, एंड ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज। सिर्फ ये कि स्क्रीन पे थोड़ा और अगर सेकेंड हाफ में, मतलब जैसे एक्सपेक्ट किया था, फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, और अभिमन्यु इतने मतलब स्पॉन्टेनियस एक्टर है ना, कि वो मतलब बहुत मज़ा आ जाता है उनको देख के, बहुत वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। एंड लास्टली 5 आउट ऑफ कितने स्टार? ओवरऑल मूवी को 2.5 to 3 दे सकते हैं, बट अभिमन्यु को 4.5 तक दे सकते हैं, शर्ली इज़ ऑल्सो गुड 3.5 to 4, एंड ओवरऑल मूवी को 2.5 to 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर, क्या कुछ कहना चाहोगे मूवी के बारे में? आपने देखी, कैसी लगी आपको? पिक्चर का नाम है निकम्मा, लेकिन पिक्चर है निकम्मी, इसमें कुछ दम नहीं है पिक्चर में, वो भी एक रीमेक है MCA की, तो कुछ नयापन नहीं है पिक्चर में, स्टोरी डायरेक्शन एकदम पुअर है, वेरी पुअर, खाली एक लास्ट टाइटल सॉन्ग अच्छा है, लास्ट पे का जो है निकम्मा। शिल्पा शेट्टी भी एवरेज है, बहुत टाइम के बाद आई है। तीन अलग किरदार है, सबसे अच्छा काम सबसे अच्छा काम शिल्पा शेट्टी का लगा, ऐसा विलन भी जम नहीं रहा है। मैं एक्साइटिंग इसीलिए लग रहा हूँ बिकॉज मैं एक शर्ली फैन हूँ, मैं उसकी तरह से रिव्यू दूंगा। तो मूवी के बारे में शुरू करना चाहता हूँ, निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा, FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन TBH टू बी ऑनेस्ट, मैं सच में ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिसका क्रश है ना शर्ली,
जरूर आके देखो, यू विल लव हर ऑन बिग स्क्रीन। पैसा वसूल हो जाएगा वहीं पे जब शर्ली आते हैं डांस करते हैं। और शिल्पा शेट्टी जी, उन्होंने एक्शन किया, सीटी बजाने का मन कर गया, क्योंकि शब्बीर जी जिनका एक्शन यूएसपी है, उनका खतरनाक एक्शन होता है, उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, पानी उड़ रहा है, और उसमें शिल्पा शेट्टी जी आ गए। जो 10 मूवी एक पहले आई थी उसमें उन्होंने गन लगा के एक टैटू बना के वॉक कर रही थी हॉलीवुड स्टाइल में, वो लेवल का एक्शन कर रही है शिल्पा जी, तो जाओ देखो। कोई ऐसी बात जो काफ़ी अच्छी लगती हो, शर्लिन की मैं बात करूँ, उनका लुक काफ़ी डिफरेंट लग रहा है इसकी मूवी में, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? उन्होंने अभी तक एज ए यूट्यूबर काम किया था, तो वो प्रोफेशनल शायद टीम नहीं थी, पर इस बार उन्हें नीता लुल्ला जी शायद स्टाइलिंग कर रही हैं, प्लस जो गाने हैं उसमें उन्हें अपना फ्लेयर दिखाने को मिल रहा है, तो शी हैज़ ग्रोन टू नेक्स्ट लेवल। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस रिव्यू के साथ कि ये शर्ली के लिए एक बेंचमार्क फिल्म साबित होगी, इन नेक्स्ट 5 ईयर शी इज गोइंग टू बी वेरी बिग स्टार। और टाइटल सॉन्ग निकम्मा कैसा लगा आपको? निकम्मा तो हिट है भाई, निकम्मा किया इस दिल ने। और लास्टली 5 आउट ऑफ कितने स्टार दोगे? 5 आउट ऑफ 5 मत पूछो मेरे से, वरना जो विलन है ना अभिमन्यु दसा, अभिमन्यु क्या नाम उनका, अभिमन्यु नहीं नहीं विलन का नाम कुछ और था, सॉरी है, अभिमन्यु सिंह जी आ जाएंगे, और क्या स्वैग से एक्टिंग की है उन्होंने यार, मजा आ गया। वो पिट रहे हो, चाहे वो मार रहे हो, चाहे वो बोल रहे हो, स्वैग है उनमें यार, सीखो उनसे, न्यू कमर सीखो स्क्रीन में कैसे पढ़ो, अपने आपको स्क्रीन प्रेजेंस क्या कहते हैं, अभिमन्यु जी से सीखो, वो वाले अभिमन्यु नहीं, ये वाले अभिमन्यु जी से। 5 आउट ऑफ थैंक यू।